स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की, कि सेंट्रोसोम क्या है और कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, जो सेंट्रोसोम्स हैं, अगर हम देखें इसको, देखें, दे आर द स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड ऑफ सेल्स। सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नज़दीक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सेल है और सेल में न्यूक्लियस के नज़दीक यहाँ इधर आपका क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम सॉरी। ठीक है, और सेंट्रोसोम बने होते हैं आपके सेंट्रियोल्स से। ये जो है, ये सेंट्रियोल्स हैं जो एक दूसरे से राइट एंगल जो बनाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये भी बने होते हैं आपके माइक्रोट्यूबुल्स के, ये बने हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम्स क्या हैं, दे आर द स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड ऑफ सेल्स एंड दे आर मेड फ्रॉम टू सेंट्रियोल्स, यानी कि इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो ये मैं राइट एंगल्स में दिखा रही हूँ। ये क्या है, दीज आर द सेंट्रियोल्स, ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है। क्लियर, ये तो बात हो गई सेंट्रोसोम की। अच्छा, कहाँ ये प्रेजेंट है, जैसे मैंने पहले ही कहा, नियर द न्यूक्लियस। अगर कोई सेल है तो उसके न्यूक्लियस के नज़दीक आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पूरी एक सेल है और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवलप इसमें दिखा रखा है, और इधर ये नज़दीक क्या है, ये दीज आर दी सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स हम कह सकते हैं। अलग अलग ये सेंट्रियोल्स हो गए और दोनों एक साथ हैं, एक प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं बेटा, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं होते हैं। और सेल डिवीजन जो होती है, मियोसिस माइटोसिस की जो डिवीजन होती है, वहाँ पे ये हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन का मीनिंग है जब हमारी एक सेल दो में, दो चार में डिवाइड हो रही है, तो उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होती है, आप जानते हैं सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए चोट लग गई हमारे किसी ऑर्गन पे, किसी पार्ट में, या वैसे ही जनरली लग जाती है, चोट लग जाती हैं, तो कुछ टाइम पे वो इंजरी जो है वो हील हो जाती है। अब वो इंजरी कैसे हील हो गई, किस तरह से वो जगह जो है दोबारा से ठीक हो गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर न्यू सेल्स फॉर्म होती है। और ये न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं, सेल डिवीज़न की हेल्प से। और सेल डिवीज़न में कौन हेल्प करता है, आपका सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसमें ये दिखा भी रखा है कि जो ये सेंट्रियोल्स हैं, अलग अलग पोल्स की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि सेल में अलग अलग पोल्स की ओर ही चले जाते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, चलिए, ये तो हम बाद में इसकी स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये होता है। अभी ये जान लीजिए कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो बने हैं आपके सेंट्रोसोम से बने हैं, और इसके साथ साथ इसमें सेंट्रोसोम जो है आपका ये बना हुआ सेंट्रियोल्स से, यानी कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, दीज आर द सेंट्रियोल्स, और कलेक्टिवली इसे हम सेंट्रोसोम से हम कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए बेटा, सेंट्रोसोम्स यानी कि आपका जो सेंट्रोसोम है ये किससे बना है, इट इज़ मेड बाय सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्पियर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है, दिस इज अ सेंट्रोसोम, ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर ये ऊपर पे दिख रहा है, ये दिस इज सेंट्रोसोम, ये आपका सेंट्रोसोम है। क्लियर, लेकिन ये बना किससे, देयर आर टू थिंग्स, एक तो है इसमें सेंट्रियोल्स, ये दो आपके, ये दो क्या है, दीज आर दी सेंट्रियोल्स। आपका दिखा देती हूँ मैं, मार्क करके दिखा देती हूँ कि आपका सेंट्रियोल्स क्या हैं। एक ये स्ट्रक्चर आपका सेंट्रियोल है, देखिए वन, और एक ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, दीज आर मेकिंग दी सेंट्रियोल्स। तो ये आपके दो सेंट्रियोल्स इसमें हैं और एक है आपका सेंट्रोस्पियर। तो अब जानते हैं कि जो सेंट्रोस्पियर है वो क्या है। ठीक है, तो सेंट्रोस्पियर क्या होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि सेल इज सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, या साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होती है कोई भी जो सेल है, ऐसे ही आपका जो सेंट्रोल या सेंट्रोस्पियर है ये किससे बना हुआ है, इट इज़ द मास ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही है सराउंडिंग द सेंट्रोल, इन सेंट्रोल को जो घेरे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोस्पियर से हम कहेंगे। ठीक, यानी कि ये जो आपका सेंट्रोसोम है, इसको हमने कहा ये सेंट्रोसोम है, तो ये जो दोनों हो गए आपके, ये दोनों जो हो गए, ये दोनों, ये तो हो गए आपके क्या, ये दोनों तो हो गए सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, दीज आर दी सेंट्रियोल्स, और यहाँ जो ये मास है, सराउंडेड मास है, इसको हम कहेंगे बच्चों सेंट्रोस्पियर से हम कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि ये क्या है, सेंट्रोस्पियर क्या है, और सेंट्रोस्पियर यानी कि आपका जो ये मास है, साइटोप्लाज्म जो है आपका, जिसने पूरे सेंट्रोस को घेरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्पियर उसे हम कहते हैं। क्लियर,
अब देखिए बेटा, जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये किस तरह से अरेंज होते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये दो सेंट्रियोल्स हैं, इसमें क्या होती है, दी आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी आप ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कितने सेट होते हैं, दे आर 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 सेट्स हैं एक साथ आपके, ये 9 का सेट बनाते हैं, ये पूरे जो ये सर्कुलर शेप है ये 9 का सेट होता है, 9 होते हैं ये चारों तरफ, लेकिन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी एक साथ 3 ये होंगे, ठीक है। अगर इसका हम TS देखें बच्चों, तो इस तरह से हमें ये दिखेगा, ये देखिए आप, ये ऐसे, ठीक है। आप अगर इन्हें काउंट करेंगे तो ये क्या है आपके, ये आपके 9 होंगे ये, अगर हम देखेंगे इसको, ठीक, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, मार्क करें हम लोग इसको, तो ये आपके होंगे 9 के सेट में होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के सेट में, यानी कि 9 का सेट है, और वो भी ट्रिपलेट्स फॉर्म में, यानी कि एक साथ 3 ये होंगे। देखेंगे अगर आप गिनती करेंगे, एक को भी काउंट करेंगे, जैसे हम किसी एक को ले लेते हैं, जैसे ये है 1 हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा आपका हो गया, तो 3 के फॉर्म में, ट्रिपलेट्स फॉर्म में है। इसके साथ साथ हमने लिखा है 0, 0 यानी कि बीच का जो स्पेस है, बीच में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, ये 0 है। तो यानी कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं किस तरह से अरेंज होते हैं, एक तो एक दूसरे से राइट एंगल्स बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा है इस केस में, देखो ये राइट एंगल्स से फॉर्म करते हैं, और दूसरा इनका जो अरेंजमेंट है ये 9+0 के फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट फॉर्म्स में ये होते हैं, ठीक। तो इसका ये तो हमने अरेंजमेंट जाना कि सेंट्रियोल किस तरह से एक दूसरे से अरेंज होते हैं, ठीक। अब इसका क्या फंक्शन है कि जो सेंट्रियोल्स हैं किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी सेल के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताऊंगी कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली, ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। कुछ आपके लोअर प्लांट्स हैं जैसे फंगस हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, उनमें ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये हायर प्लांट्स में तो एब्सेंट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ये लोअर प्लांट्स में, जैसे आपके कुछ फंगस में, कुछ एल्गीज में, और आपके कुछ ब्रायोफाइट्स में देखने को मिल सकते हैं। ये भी आप लोग पढ़ेंगे अभी, जब आप चैप्टर्स आगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल लर्न अबाउट कि व्हाट आर द फंगस, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। बट अभी आपको बता दूं कि ये लोअर प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं ये, जो बड़े नहीं हो पाते, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उनमें ये एब्सेंट होते हैं, सॉरी उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, और रेड एल्गी में ये एब्सेंट होते हैं आपका, ठीक है, और एनिमल सेल में सब में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या फंक्शंस हैं, देखो बेटा हमने कहा ये, देखो ये कोई सेल है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है किसी सेल का, सॉरी, और न्यूक्लियस के नज़दीक ये क्या है, इट इज़ अ सेंट्रियोल, ठीक, ये एक आपका सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम में आप देखेंगे दो क्या है, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर से आपको ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एस्टर रेज, इन्हें हम एस्टर रेज कहते हैं। जब सेल डिवीजन होने लगती है तो जो ये सेंट्रियोल्स हैं, यानी कि सेंट्रोसोम के अंदर ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, विचार कॉलिंग द सेंट्रियोल्स, इन्हें हम कह रहे हैं, ये माइग्रेट हो जाते हैं अपोजिट पोल की ओर, यानी कि अभी अगर ये ऊपर की ओर रहेंगे, मान लीजिए कि आपका क्या है, ये जो एक सेंट्रियोल है ये इस पोल पे रहेगा, तो ये दूसरा वाला ये दूसरे इस वाले पोल की ओर आ जाएगा, ये अपोजिट में आ जाएगा, जिससे सेल डिवीजन में हेल्प मिलती है, और बीच में इनमें एक स्पाइनल फाइबर बन जाते हैं, ठीक। ये आप थर्ड डायग्राम में इसमें देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको, कि आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रियोल है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका माइग्रेट कर रहा है इधर से, और ये यहाँ आ गया है, ठीक है, आधा यहीं रह गया और आधा इधर आ गया। बाद में न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं आपके, जब सेल डिवीजन होते हैं, यू विल लर्न इन 11th क्लास, सब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, देन यू विल लर्न अबाउट द सेल डिवीजन, तब आप लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। बस यहाँ ये समझ लीजिए कि सेंट्रियोल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनिमल सेल में, और इस तरह से जो सेंट्रियोल्स हैं ये पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होके एक जो आपका है ये इधर अपोजिट पोल की ओर आपका आ जाएगा, क्लियर।
तो हम कह सकते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल्स फॉर्म द स्पाइनल फाइबर विच हेल्प्स इन कैरिंग क्रोमोसोम। इसकी वजह से क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स को कैरी होते हैं अपोजिट पोल्स की ओर, यानी कि आधे क्रोमोसोम एक साइड रह जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरी ओर आ जाएंगे, और इस वजह से क्या है, क्रोमोसोम का इक्वल डिविजन हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स एक जैसे ही सेल्स में ये ट्रांसफर हो जाएंगे, अलग, यानी कि हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, तभी तो हम कहते हैं कि कैरेक्टर्स कैरी होते हैं क्रोमोसोम्स की हेल्प से, यानी कि ये क्या होते हैं, ये इस तरह से आपके जो सेंट्रियोल्स हैं ये हेल्प करते हैं इसमें कैरेक्टर्स को कैरी करने में, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स को कैरी करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर। दूसरा देखिए बेटा, इनका क्या फंक्शन होता है, दे फॉर्म द बेसल बॉडीज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें ये बेसल बॉडीज बनाते हैं। अब देखो बेसल बॉडीज आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मैं यूक्लिना में दिखाती हूँ, ये है बेसल बॉडी, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ये देखिए ये आपका है बेसल बॉडी, आपको दिखाई दे रही है यहाँ से ऊपर से, फोर्थ नंबर पे आपका है बेसल बॉडी है। और ये जो बेसल बॉडीज़ होते हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं आपके किस में, ये देखिए ये बेसल बॉडी आपका लेबल कर रखा है, ये बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडीज़ हेल्प करते हैं किस में, टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। ठीक है, आपका ये देखिए इसमें है यूग्लिना में, ये आपका क्या है, ये फ्लैजिला है, दिस इज़ अ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिला हेल्प करेंगे मूवमेंट में या कैप्चरिंग द फूड, तो फ्लैजिला फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आपका जो पैरामीशियम है, आप इसमें देख रहे हैं कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड दी सीलिया, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सीलिया कहते हैं, जो मूवमेंट में और फूड इनगल्फिंग में हेल्प करते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही आपका क्लाइमेटोमोनास हो गया, वहाँ पर भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो ये क्या है आपके, हम कह सकते हैं कि बेसल बॉडीज़ बनाने में ये सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं, और जिसकी हेल्प से क्या बन जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सीलिया और फ्लैजिला बनते हैं। तो ये आज आपने जाना कि सेंट्रियोल्स क्या हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप इसमें और क्या चाहते हैं। इस तरह से आज आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल स्टार्ट योर टिश्यू चैप्टर, इसके बाद मैं आपका टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है और नॉलेजेबल चैप्टर है, हम अपने बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में उसमें जान सकते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए, और आप इन वीडियोस को देखते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।